एक ऐसा युवक जो गोरखपुर में आया तो था छात्र बनके, लेकिन बन गया सन्यासी और वो भी 22 साल की उम्र में। और अब वही सन्यासी सीएम बनके जनता की सेवा कर रहा है। जी हां गाइस, हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 5 जून 1972 को एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम रखा गया था अजय सिंह बिष्ट। साल 1992 में ऋषिकेश के श्री गोरख मंदिर कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। एमएससी के दौरान जब वो श्री गोरखनाथ मंदिर की शूटिंग करने के लिए गए हुए थे तो श्री गोरखनाथ का उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से ही सन्यास की दीक्षा ले ली और गोरखनाथ मंदिर में ही सन्यासी बन गए। लेकिन साल 1998 में मात्र 26 साल की उम्र में योगी जी सांसद बन गए थे। लेकिन कुछ वजहों से खुद योगी आदित्यनाथ जी को भी साल 2007 में जेल जाना पड़ा था, जिसकी वजह से साल 2017 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन 19 मार्च साल 2017 को योगी जी उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बन गए। जब योगी आदित्यनाथ साल 2017 में मुख्यमंत्री बने तब एक अधिकारी ने पहले दिन ही योगी जी से पूछा कि आप कौन सी कार खरीदना चाहते हैं। इस पर योगी जी ने कहा, जो पहले मुख्यमंत्री चलाते थे वही चलाऊंगा, नई कार क्यों खरीदूंगा। इस पर अधिकारी ने कहा, नहीं सर, आपसे पहले जो भी मुख्यमंत्री हुए हैं उन सभी ने नई कारें ही खरीदी हैं, क्योंकि आपके पहले जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने पुरानी कार चलाने से मना कर दिया था और 7 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ नई कार खरीदी थी। उनसे भी पहले जो मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की नई कार खरीदी थी। ये सुनकर योगी जी बोले, जब हमारे पास पहले से ही कार मौजूद है तो नई कार खरीदने की जरूरत क्या है। अगर आपको मेरे लिए कुछ खरीदना ही है तो 200 रुपए का भगवा टॉवल खरीद कर मेरी सीट पर लगवा दीजिएगा, जो मेरे लिए त्याग का प्रतीक है, और वो मुझे ये याद दिलाता रहेगा कि ये गाड़ी मेरी नहीं है, मैं यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ, नई गाड़ी खरीदने के लिए नहीं। गाइस, इसे कहते हैं सच्चा देशभक्त और एक सच्चा नेता जो खुद के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए जीता है। आपको योगी जी का ये उदार स्वभाव कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।